त्योपारी की परिभाषा आती है। त्योपारी के प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती है। अंत में दो दिन या दो गुरु होता है। जैसे उदाहरण के त्योपारी का उदाहरण बांगा अंगुर पर पद्म पराड़ा चोरू के सुबह तरत अंगारा आमी अंगुरिमय पूजन चारू कमन तकल गौरव परिवार। तो यहाँ पर देखा इसके अनुस्वार युक्त वर्ण रूप माना जाता है और जो छोटा भी छोटा हो और सिंगल अच्छा के बाद लघु होता है ए आई ओ औ ये तब गुरु माने जाते हैं। कोई अनुस्वार गुरु है ड सिंगल है लघु वो जो अच्छा लघु माना जाता है या लघु का मचा छोटा हूँ लघु अगर बड़ा हो जाता तो गुरु माना जाता है। तो छोटा हुआ पर लघु और जब अपनी सिंगल अच्छा ना कर लू और गुरु माता पर छोटा हुआ लघु और लघु 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 और सिंगल अच्छा लघु रा आर गुरु रा आर गुरु देखिए रा छोटा मात्रा होना चाहिए दो या तीन या चार पाँच छः सात एक आठ नौ दस ग्यारह बारह दो चौदह दो सोलह छोटा मात्रा। इसी तरह से तू छोटा हुआ लघु रू छोटा हुआ लघु ई में लघु छोटा हुआ लघु बा आए गुरु और सिंगल अच्छा लगा तीन को सिंगल अच्छा में सड़क में लघु लघु और सिंगल अच्छा लगा हूँ मन में छोटा हुआ लघु और दोनों मानसिक के जो हुआ है आए गुरु एक दो तीन चार सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौदह सोलह इसी तरह से देखिए ये राम मूर्ति आगे और इनका लक्षण लघु मान छोटी लघु या इनका लघु मान बराबर गुरु छोटी का लघु मां सिंगल लघु या लघु बराबर गुरु लघु लघु आ गुरु रू बराबर गुरु तीनों लघु लघु सकल तीनों सिंगल अक्षर लघु लघु भाव हुआ सिंगल अक्षर लघु लघु मोटा हुआ लघु या सिंगल अक्षर लघु और लघु छोटी की हर पर लघु वा गुरु रू बराबर गुरु। अब देखिए एक दो तीन दो पाँच छः सात आठ दो दस ग्यारह बारह दो चौदह दो सोलह सोलह माता इसी तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह दो बारह दो चौदह दो सोलह इसी प्रकार प्रत्येक व्यापारी के प्रत्येक समय चौदह चौदह मात्रा होती है। अब देखिए दुआ छंद इस छंद के पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्रा है दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्रा होती है। जैसे उदाहरण के राम नाम दीप धन जी हरि हरि द्वार तुलसी भीतर बाहर गोचार किया। देखिए यह पहा रूप है माँ सिंगल अच्छा लघु न पहाड़ू माँ लघु माँ सिंगल अच्छा लघु छोटा लघु छोटी का मात्रा है लघु जहाँ पर छोटा हो छोटी मात्रा सिंगल है वहाँ पर लघु होता है। जहाँ पर आ ए है कौ अंग आगे वो गुरु होता है। तो बड़ी का मात्रा आदि गुरु और सिंगल अच्छा लघु न लघु छोटा होगा पर लघु जब बड़ी है लघु और ये है गुरु और सिंगल अक्षर लघु बड़ी बड़ी का मात्रा गुरु आधा अक्षर का कुछ नहीं दिया जाता है वाक गुरु लघु। अब देखिए दो एक तीन दो पाँच एक छः एक सात एक आठ एक दस एक ग्यारह एक बारह एक तेरह पानी चरण देखिए यहाँ पर तेरह मात्रा
आप ऊपर में दो या तीन पांच एक छह आठ नौ के दिया अब सीधे लिखेगा ऊपर जब में लघु छोटा हुआ है सुंदर से लघु या गोल बनी है दोनों लघु लघु आय गुरु लघु होती है लघु लघु अब ये ओ आय गुरु लघु लघु होती लघु लघु गुरु लघु अब ये एक दो प्यार दो छः सात एक आठ दो दस ग्यारह बारह तेरह ऊपर चलने तेरह अब चौथे चरण में दो चार पाँच छः सात सात वगैरह के किया इसी प्रकार के अंदर मेरी नगर जैसे द्वारा मेरी भव आधार